मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया है और इसी पर खास बातचीत की है मेट्रो न्यूज के संवाददाता नकुल जसूजा ने। क्या कुछ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है सुनिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री आज बजट पेश किया है MH1 पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं सर, आज बजट पेश किया क्या था? देखिए खास तो आपने सुना ही है, लगातार आप भी बैठे थे, हम आपको देख रहे थे, लेकिन उसके अंदर भी हमने तो जो जरूरत जिनकी होती है ज्यादा, उस जरूरत के हिसाब से उसको पूरा करने के लिए योजनाएं बनाते हैं, कभी किसी की डिमांड के हिसाब से नहीं, डिमांड और जरूरत दोनों मिल जाए उसको सबसे पहले करें। हर वर्ग का सर ख्याल रखा गया सर इस बजट में सर, किसानों की बात की जाए, कई योजनाएं नई शुरू करने की बात भी की गई सर, क्या कहेंगे? हाँ तो किसान है उसकी आवश्यकता वो हमको ध्यान में है, युवा है उसकी आवश्यकता हमको ध्यान में है, युवाओं के रोजगार के नाते जो हमने मिशन 60,000 तय किया है तो वो 60,000 बच्चों को नए रोजगार के अवसर मिले, महिलाओं की आमदन कैसे बढ़े उसके अंदर ड्रोन दीदी की बात हमने की है, उसमें लखपति दीदी की बात हमने की है, तो महिलाएँ सेल्फ हेल्प ग्रुप इनके प्रोडक्ट बना करके और किस प्रकार से वो शहर में अपने एक दुकान से जाके बेच सकते हैं वो हमने बात की है, हमने संस्कृति की बात की है, हमने कोई वर्ग इस प्रकार का नहीं छोड़ा जिस वर्ग के मन में ये आया हो कि हमारे लिए कुछ नहीं किया है। हमने जो सर्विस मैन हैं, जो हमारे सैनिक भाई हैं शहीद हो जाते हैं, उनके परिवारों को 50 लाख की बजाय 1 करोड़ रुपये की उनको राशि अनुग्रह राशि मिले इसकी भी हमने चिंता की, तो हमने ऐसे सब काम किए जिसकी हमको आवश्यकता लगती है। सर एक पानी को लेकर चर्चा की गई सर कि पानी साउथ हरियाणा तक जाएगा सर, इस तरह की प्लानिंग भी की गई है सर, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए उसके लिए क्योंकि हमारा पानी जो यमुना में है, हमारी जो कैपेसिटी है वो इस समय 18,000 क्यूसिक की है, हमने उसको 6,000 क्यूसिक बढ़ा करके 24,000 करने जा रहे हैं। 24,000 क्यूसिक के बाद जो पानी ओवरफ्लो होता है और जो बरसात में जैसे पानी ओवरफ्लो होता है तो बाढ़ आने के भी खतरे होते हैं, वो बाढ़ का पानी अगर कहीं किसी के काम में आता तो उनको आपत्ति नहीं है, हमारी वो ईर्ष्या नहीं है जो पंजाब की ईर्ष्या हमारे साथ बनी हुई है। हमने तो पंजाब को कहा कम से कम जो आपका एक्स्ट्रा पानी है वही हमको दे दिया करो, उसमें SOIL नहर बनाने के लिए प्रावधान बनना चाहिए, वो तो बिल्कुल पैसेज ही बनाने के लिए तैयार नहीं, पानी देने की तो बात दूर है। हमने उनको कहा कि आप अपना पाइपलाइन डालिए और जब एक्स्ट्रा पानी होता है आप ले जाएं, साथ में हम भी एक अपनी पाइपलाइन डालेंगे, हमारे जो सूखा इलाका है चरखी दादरी का, भिवानी का, हिसार का, उसके अंदर हम पानी लेके जाएंगे। तो पानी की एक एक बूंद, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, ये सिद्धांत है हमारे पानी के नाते से, हमारी किसी साथ कोई ईर्ष्या नहीं है, हम अपनी सुरक्षा करते हुए अपने प्रदेश की सुरक्षा करते हुए दूसरे का लाभ होता तो करें। सर एक अंतिम सवाल, आंकड़ों का खेल बता रहा है सर, देखिए आंकड़े तो होते ही हैं, बिना आंकड़े के बजट बनता नहीं, और बजट का एक सिद्धांत होता है कि वो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों के आंकड़े बराबर होने चाहिए, जितनी प्राप्तियां हैं उसी हिसाब से खर्च होगा, अगर ये आंकड़े ध्यान नहीं रखेंगे तो बजट नहीं कहला सकता। तो बजट में आंकड़े होते हैं, अब आंकड़ों का एक गणित है या आंकड़ों का खेल है, ये आप और जनता और विपक्ष और पक्ष सब मिलकर के हिसाब लगाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, बजट पेश किया है, 5वां बजट पेश किया और इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ नकुल जसूजा MH1 न्यूज़।